बलराम भाई नमस्कार। मैं रेहान बदायूं उत्तर प्रदेश। सर ये ठंडी से होने वाली कोई बीमारी है क्या है? ये हमारे केले में बारीक बारीक गांठें से हो गई हैं। फुड़िया सी बन रही है। हाँ फुड़िया फुंसी सी बन रही है, बारीक बारीक गांठें सी हैं। जैसे ये है, ये दिखाई दे रही है। ये खेत का पूरा बंच है। सर हमें ये बताएं कोई ये बीमारी है क्या है, इस पर कोई दवा का छिड़काव होना है या ठंडी का असर है? या इस ठंडी का असर है क्या है? इसमें जो भी दवाई लगे वो हमें बताएं, आपकी मेहरबानी होगी, धन्यवाद। रिहान भाई नमस्ते। मित्र जो बारीक बारीक दाने हैं ना, ये ठंडी से नहीं है। जैसे बंच बाहर निकलता है, केले का फल फूल जो होता है वो बाहर आता है, उसके ऊपर छिलके रहते हैं पत्ते के। केला नीचे आने से पहले एक 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 छिलका ऊपर उठता है, बंच नीचे आने से पहले। उसी समय आपको दवाई डालना है रस चूसक को रोकने के लिए। 15 लीटर पानी में 6 ml कॉन्फिडोर, जिसको बोलते हम एमिडाक्लोपिड, 30 ग्राम सुक्रोस, 15 लीटर पानी में ये दो चीज़ डालना है और स्टिकर डालना है या फिर एक शैम्पू का पाउच। जैसे ही फल बाहर आ रहा है उसी समय उसको धुआं देना है सिंगल होल नोजल से। पंप में प्रेशर ज़्यादा रहना चाहिए और पानी का दाना नहीं जाए, फोक जाए, फोक जाना चाहिए। वो छिलका निकलने से पहले वहाँ धुआं अंदर तक चले जाएगा तो थ्रिप्स वहाँ पर केले पर नहीं बैठेगी और फल जो नीचे लटकना चालू हो रहा है, शुरुआत के 15 दिन अगर आपने लटकते हुए को एक स्प्रे दिया एमिडाक्लोपिड सुक्रोज और स्टिकर का, अगले 7 दिन बाद आपको स्प्रे देना है ट्रेशर स्पिनोसेड आता है उसके अंदर, 15 लीटर में 6 ml और 15 लीटर पानी में 30 ग्राम सुक्रोज और एक स्टिकर। ऐसे अल्टरनेट, एक बार एमिडाक्लोपिड एक बार स्पिनोसेड सुक्रोज, दोनों में लेना है 30-30 ग्राम प्रति पंप में। अगर शुरुआत के आपने 3 स्प्रे लिए, फल लटकते समय निकल रहा है उस समय, भले उसका छिलका हटा या ना हटा, फल नीचे आ गया अगले 7 दिन में और फिर अगले 7 दिन में, शुरुआत के 3 स्प्रे ये लिए तो ये दाने नहीं आते हैं। अब आपका फल हो गया है कड़क, हार्डनिंग टर्न हो गया है और जो थ्रिप्स ने वहाँ पर टच करना था वो कर दिया है। अब इसका कुछ नहीं होगा और ना ये ठंड से आया है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, जो होना था हो गया। इसकी बंच मैनेजमेंट की एक प्रैक्टिस है। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे, रवि जाट के यहाँ का बंच मैनेजमेंट का पूरा मैंने थीम बताया है, स्प्रे शेड्यूल क्या करना है और पंजे कितने रखना है। आपके पंजे भी यूनिफॉर्मलिटी में नहीं है मित्र। आप परफेक्ट प्रोग्राम्स करने के लिए आप बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ेंगे तो और मज़ा आएगा। अभी जो फ्लावर निकल रहे हों उनको आप स्प्रे शेड्यूल में ले लें, आगे ठीक रहेगा। ठीक है भाई।